अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जरमीन और आप देख रहे हैं किचन विद जरमीन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है इतना मजेदार, मुंह में घुल जाने वाला चिकन टिक्का, जो कि इतना ज्यादा मजेदार बनेगा कि आप इसे बार बार ही बनाएंगे। तो देखते हैं हमने चिकन टिक्का कैसे बनाया है और इसके लिए मैंने क्या क्या चीजें ली है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट में हमें लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मेरे दूसरे चैनल जमीन ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दें, उस चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चिकन तंदूरी टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन के लेग पीस ले लिए। इसे अच्छे तरीके से वॉश करके इसके ऊपर जितनी भी चर्बी थी मैंने, जितनी मेरे से हो सका मैंने इसे उतार दिया। अब इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। तो चिकन के ऊपर मैंने सारे कट लगा दिए। अब जब इसके कट लगाएं तो ये जो कट है थोड़े से गहरे होने चाहिए ताकि जो आप इसके ऊपर मसाला लगाएं वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून दही डाल देंगे, 1 टेबलस्पून मोटी कटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इसमें 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, जरूरत के मुताबिक नमक, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हम सिरका डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे लेमन जूस डालेंगे। सिरका या आप लेमन जूस दोनों में से कोई एक चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दोनों चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। 1 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस डालेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब चिकन के पीसेस के अंदर डालेंगे और अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर लगा लेंगे। जो हमने ये कट लगाया है इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने मसाला भर देना है। तो सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब इसे हम एक बड़े पॉट में डालेंगे। और जो सारा मसाला ये भी इसके ऊपर डाल देंगे हम, और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आग पे हम पका लेंगे। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ और इसे हम चूल्हे पे रख देंगे। बीच में हमने इसकी साइड्स भी चेंज करते रहना है। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब हम चूल्हे की आग बंद कर देंगे और चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे हमने थोड़ा सा कलर देना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर जो ऑयल है इसी से हम ग्रिल पैन को ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ से चिकन उठाएंगे और ग्रिल पैन के ऊपर इसे रख के कलर दे देंगे। दोनों साइडों पे प्यारा से कलर आने तक हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसके ऊपर कलर आ गया, इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के ऊपर भी हम इसी तरीके से कलर ले आएंगे।
चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और चारों पीस मैंने दोबारा ग्रिल पैन में रख दिया है। इसे अब हम स्मोक दे देंगे। यहाँ पे हम फॉइल रखेंगे, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही मजेदार चिकन तंदूरी टिक्का बनके तैयार है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये खाने में भी बेहद मजेदार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।